हेलो जी, प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया। मैं सबसे पहले एक बेटे एक भाई की तरह, एक बेहतर दोस्त की तरह आपको अपना जीवन समर्पित करता हूं। अब यह जीवन मेरा नहीं है, यह जीवन पर किसी का अधिकार नहीं रहा सिवाय इस बिहार के, इस पूर्णिया के सभी जाति धर्म वर्ग के परिवार का। आप मेरे परिवार हैं, मैं आपको अपना पप्पू परिवार मानता हूँ। मैं दिल से आप सबसे प्यार करता हूँ। मैं सच्चा इंसान हूँ, सच जो लगता है मैं दिल से बोलता हूँ और दिल से मैं आप सबका पैर भी छूता हूँ। आपके यहाँ भी आता हूँ, मेरे आपके यहाँ आने में, आपसे मिलने में, आपके लिए जीने में, आप भी जानते हैं मेरी कोई राजनीति नहीं होती। बिहार के सारे लोगों ने, देश के लोगों ने मेरे प्रति जो आशीर्वाद दिखाई और जो विश्वास, जो उम्मीदें, जो ब्लेसिंग दिया, क्या मेरा जीवन अब किसी और का हो सकता है? मैं दिल से कहता हूं मेरा जीवन अब किसी का नहीं सिवाय आपके। मेरी जिंदगी कहीं नहीं, कोई धाम नहीं, मेरे लिए बिहार एक धाम, पूर्णिया, सीमांचल, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, कोसी दूसरा धाम, तीसरा मिथिला। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आप भरोसा रखिएगा, जो लोग ये बात करते हैं ना, तो पप्पू जी आएंगे तो डॉक्टर के भीतर डर हुआ है। डॉक्टर साहब और व्यवसायियों भाई से पूछना चाहूँगा, मैं 90 से कितना पैसा डेली मांगता हूँ? वो तो 4 के बाद फेसबुक पे है ना, और तो आप जानते हैं बाढ़ में, कोरोना में, हर घटना में। मैं 10 साल 20 साल आपसे दूर रहा, मैं आपसे मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर साहब। बिहार के कोई लोग टॉर्चर हुए हैं, मधेपुरा सुपौल के सहरसा के हुए हैं। मैं मधेपुरा सहरसा के व्यवसायियों को पूछिए ना, वो कैसे सुरक्षित रहा। जो लोग के पास गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, जमीन नहीं थी, आज वो करोड़पति अरबपति कहाँ से हो गए? जो साइकिल पर चलते थे, किसी के पास हॉस्पिटल हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, किसी को बड़े गोदाम हो गए, 100-100 बीघा जमीन खरीद ली दारू के धंधे से, कई सारी चीज़ों से, जमीन के धंधे से, इतने पैसे कहाँ से आए? अपने परिवार, अपने बेटा अपने बेटी से पहला अधिकार आपका मुझ पर है। बात सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मुझ पर मेरे परिवार से जाए, हाँ मेरे जायदाद में उनकी हिस्सेदारी हो सकती है, मुझ पर नहीं, मुझ पर नहीं। मेरी सारी जायदाद ले ली मेरे परिवार को, मेरा शरीर सिर्फ आपका है और ये रहेगा। मैं 2-3 बात कहना चाहूंगा, खासतौर पर गरीब लोगों से, मिडिल क्लास के लोगों से, युवाओं से, बेटियों से और माँ से, बहनों से। आपने बहुत उम्मीद हमसे की है, मैं किसी उम्मीद को कम नहीं होने दूंगा। मुझको जिस तरीके से माँ बहन की गाली दी गई, मैं बिहार की जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही है? मेरी माँ बहन को गाली दिलवाया गया, हमको कहा गया कि गोली भवन में ढुक के गोली मार देगी। तुम छोटे साहब से लड़ते हो,
नाम लिया गया विपक्ष के नेता, उससे लड़ने की हिम्मत करोगे तो मरोगे। लगता है कि साजिश नहीं होगी, चलिए मरना होगा तो मर जाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, कल आपके माँ बहन को गाली देता तो आप क्या करते? मैंने एसपी साहब से कहा है कि गुस्सा पूरे बिहार में है, उनको सुरक्षा दे दीजिए या उनको कहीं जेल में रख दीजिए। ये साजिश भी हो सकती है राजा साहब की, कि इस तरह की गाली दिलवा करके और उसको किसी से मरवा के पप्पू यादव को फिर इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझको गाली तो छोड़ो, 10 जूते भी मारेंगे ना, मैं जवाब नहीं दूंगा। पब्लिक को कोई आंख दिखाएगा तो मैं मर जाऊंगा, मुझको 10 जूता भी मारेगा तो चुपचाप रहूंगा। यही चाहते हैं ना मेरे फॉलोअर और बिहार और देश की जनता, रहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, शुरू से लेकर आज तक मैं कांग्रेस के वर्कर को थैंक्स देना चाहूंगा और कांग्रेस के राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, उनके ब्लेसिंग अंतिम दिन तक मेरे साथ। मैं बीजेपी के वोटर्स को थैंक्स देना चाहूंगा जो नरेंद्र मोदी के नाम पर फूल छाप को भूल देते थे, उनका आशीर्वाद मुझे मिला और है। मैं आरजेडी के वोटर्स वर्कर को थैंक्स देना चाहूंगा कि आप कोसी सीमांचल से सब कुछ छोड़ के मेरे लिए आप यहां लगे रहे। सोचिएगा, मैं आपके अलावे किसी का नहीं हूं, विशेष तौर पर गरीबों को, आदिवासी को, पासवान को, राम को, ऋषिदेव को, पासी को, शर्मा को, ततमा को, गंगोत्री को, निषाद को, मला को, केवट को, बीत को, केवरत को, जसवाल को, चौधरी को, करवार को, नूनिया को, चरवर्सी को, कहार को, कुमार को, इन सब को जो छोटे ठाकुर को, नाई को, एक एक व्यवसायियों ने जिस तरीके से ट्रस्ट दिखाया, इसके लिए मेरी खून का एक एक बूंद का कतरा आपके लिए कर रहा। मैं आपसे प्यार चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। गुलाब बाग और अपने पूर्णिया के व्यवसायियों से कहना चाहूँगा, जब तक दुनिया में आपको नंबर वन नहीं करूँगा, चैन से नहीं बैठूंगा। मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा, मेरी जिंदगी आपकी अमानत है, आपके विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। हिंदू मुसलमान मेरे जीते जी कभी नहीं होगा। मैं राजपूत ब्राह्मण भूमिहार लाला समाज को कहना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से और विशेष तौर पर पप्पू सिंह जी को, पप्पू बाबू ने जिस तरीके से हमारे प्रति छोटे भाई का प्यार दिखाया, मैं पैर छू के उनका प्रणाम करता हूँ। और मैं उस समाज के प्रति, खासतौर पर ब्राह्मण समाज, भूमिहार समाज, राजपूत समाज और लाला समाज, और उसमें भी खासतौर पर बंगाली समाज का, जो विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को मानते हैं, कई गलत फहमियों डालने के बाद अजीता बार बार, मैं सच कहता हूँ, मैं उसमें नहीं हूँ, मैं दिल की गहराई से कहता हूँ कि मुझे जानकारी भी नहीं थी, आज तक प्रताड़ित होता रहा हूँ उस बात को लेकर, जबकि उनके भाई, बड़े भाई प्रदीप दास से लेकर सब मेरे साथ, इसके बावजूद भी पूरा बंगाली समाज मेरे प्रति तो दीवानगी देखी। मैं हर माँ को पैर छू के प्रणाम करता हूँ और मैं राजपूत समाज के इन्फ्लुएंसर और बड़े ताकतवर पैसे वाले ठेकेदार इन लोगों से कहना चाहूँगा, मेरी ओर से कभी आपको तकलीफ नहीं। दिल से मैं कहता हूँ, भगवान की सौगंध, आपकी इज्जत मेरे लिए सर्वोच्च होगा, जैसे मेरा परिवार है वैसे आपका परिवार रहेगा। मैं हर तरह के दुख सुख में आपके साथ रहूँगा। आप जो लोग साथ दिए वो भी, जो लोग चुप हैं उनको भी, जो लोग एग्रेशन में नहीं हैं उनको भी, सबको मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। मैं आग्रह करता हूँ,
लगातार कभी मेरी गाड़ी को सीज किया जाना, आज मेरी दो दो गाड़ी सीज कर, मेरा जिस गाड़ी पर चल रहा था मुझे टेम्पो से आना पड़ा चल, मेरी सिक्योरिटी की गाड़ी, लॉ नहीं कहता है, वहाँ के DSP अभिजीत सिंह अभी भी उस साला हरामी साला कुत्ता कह रहा है वहाँ के पब्लिक को, गाली दे रहा है। आपको लगता है कि जो मेरे पब्लिक को गाली देगा उसके खिलाफ महाभारत का जंग मैं नहीं लड़ूं? लोकतंत्र में यह अधिकार तो है ना, 26 के बाद जंग होगी, आर पार होगी, न भूतो न भविष्यत, कोई छेड़े नहीं, कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। जनता मालिक है, जनता भगवान है, मेरा समर्पण है उसके लिए। आपसे बस यदि आप हमको बेटा और भाई मानते हैं, एक बेहतर दोस्त, और यदि आपके दिल में विश्वास हो पप्पू अच्छा है, किसी से पप्पू मेरे घर का है, पप्पू आपके साथ धोखा नहीं करेगा, पप्पू जो कहता है करता है, पप्पू ने जो 7 निश्चय वादे दिए वो करेंगे, पप्पू मेरे परिवार का सम्मान सबसे ज्यादा करेगा, यदि विश्वास हो तो कल 6 नंबर पे कैंची छाप जो आपका छाप है, आप जो बेटा मुझे बनाए हैं दिल में, पूरे देश का जो ब्लेसिंग मिला, आपने जो आशीर्वाद दिया है कृष्ण और अर्जुन की तरह, मैं आपसे कहूँगा सुबह निकलिए और अपने बेटे जो, अब ये लड़ाई आपके मान सम्मान की बन गई है, जिस तरीके से लोगों ने गाली गलौज दे करके तंग किया, और पूर्णिया आज वर्ल्ड की हॉट सीट है, पूर्णिया दुनिया देख रही है, इससे ज़्यादा गौरव का क्या विषय हो सकता है, एक पप्पू के चलते और आपके साथ खड़े होने के चलते और आपके आशीर्वाद के चलते आज पूर्णिया वर्ल्ड का हॉट सीट है। क्या लगता है यदि आप एक तरफा वोट करेंगे अपने बेटे को तो 5 तारीख 4 तारीख को गिनीज बुक में वर्ल्ड में नाम नहीं जाएगा, 3 महीने तक इस देश में सिर्फ पूर्णिया पूर्णिया होगा और पूर्णिया को दुनिया देखने आएगी।